जय हिंद साथियों। साथियों बात करते हैं सेना भर्ती रैली अजमेर कैड विश्राम स्थल के अंदर जो चौथे दिन सेना भर्ती रैली की दौड़ का जो उत्साह युवाओं में दिखा, उसमें कितने युवा अपने 1600 मीटर रनिंग पास करने में अपना दमखम दिखाया था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सेना भर्ती रैली में 1600 मीटर रनिंग पास करने वाले अभ्यर्थियों की बात करें तो 330 कैंडिडेट सेना भर्ती रैली के चौथे दिन अपना रनिंग पास की है दोस्तों। दोस्तों सेना भर्ती रैली में पहली बार आई स्कैनर से अभ्यर्थियों की पहचान की जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों किसी भी प्रकार के फर्जी अभ्यर्थी सेना भर्ती रैली स्थल पर नहीं जाना है दोस्तों, क्योंकि सेना में पहली बार आई स्कैनर किया जाता है, अपनी आंखों का स्कैनिंग किया जाता है दोस्तों। जिस प्रकार से आपको आधार कार्ड बनवाते समय स्कैनिंग किया गया था, उसी प्रकार आई स्कैनर अब वहाँ पे किया जाता है। उसी के आधार पर जब युवा अपने संपूर्ण जो प्रक्रिया है उसे गुजरकर अपनी मेडिकल प्रक्रिया में आता है, तो दोस्तों कभी कभी युवा है दूसरे अभ्यर्थी को भेज देते हैं, उनका मेडिकल फिट होना पाया जाता है दोस्तों। ऐसी कमियों को देखते हुए सेना ने पहली बार आई स्कैनर किया है, जिसके आधार पर जिस युवक का अपना आई स्कैनर किया जाएगा वही युवा वहाँ पर मौजूद रहेगा, अन्यथा सेना भर्ती रैली से बाहर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों सेना भर्ती रैली में पहली बार आई स्कैनर से अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है। इसमें अभ्यर्थियों की वास्तविक पहचान सुनिश्चित होने से फर्जी अभ्यर्थियों पर एंट्री पर पूरी तरह रोक लग जाएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इससे पूर्व जो अंगूठे की छाप के माध्यम से युवाओं की पहचान कर सत्यापित करने की प्रक्रिया थी, उसके कारण काफ़ी सारी मुख्यालयों पर जो ARO है वहाँ पर सेना भर्ती रैलियों में कमियाँ आई थी। उसके देखते सुनिश्चित अब की बार तकनीकी आई स्कैनर के आधार पर सेना भर्ती रैली की प्रक्रियाएं करवाने में पहली सेना भर्ती रैली अजमेर कैड विश्राम स्थल पर होने जा रही है दोस्तों, जिसके माध्यम से कोटा ARO के तहत कर्नल जॉनसन के बताया कि भारतीय सेना भर्ती रैली में पहली बार इस स्कैनिंग का उपयोग किया जाता है, जिसके आधार पर युवक जो भी सेना भर्ती रैली की 1600 मीटर रनिंग पास करेगा दोस्तों उसकी स्कैनिंग आई स्कैनिंग किया जाएगा और वो भी डेटा सेव रहेगा जब तक युवा अपनी संपूर्ण प्रक्रियाओं को गुजर कर अपनी ज्वाइनिंग लेटर यानी ज्वाइनिंग करने आएगा वहाँ तक ये प्रक्रियाएं सारी सेव रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों सेना भर्ती रैली में जाने वाले सभी अभ्यर्थी अपने ओरिजिनल दस्तावेजों के साथ अपना प्रवेश पत्र, RT-PCR रिपोर्ट, आधार कार्ड दोस्तों ये सभी एंट्री लेकर ही सेना भर्ती रैली ग्राउंड में पहुंचना दोस्तों। दोस्तों अपने संपूर्ण दस्तावेज ओरिजिनल और उनकी प्रतिलिपियां आपके पास होना जरूरी है, अन्यथा आप सेना भर्ती रैली ग्राउंड से अपने 1600 मीटर रनिंग किए हुए पास हो भी अभ्यर्थी वो भी सेना भर्ती रैली से बाहर हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों चौथे दिन सेना भर्ती रैली के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की बात करें तो दोस्तों 3947 कैंडिडेटों ने अपना ऑनलाइन आवेदन किया था। उनमें से सेना भर्ती रैली स्थल पर 2950 कैंडिडेट सेना भर्ती रैली स्थल पर अपनी दौड़ की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आए थे दोस्तों। उनमें से 330 कैंडिडेट सेना भर्ती रैली की रनिंग पास करने में अपनी सफलतापूर्वक जो प्रथम प्रक्रिया है उसे पार की है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो झालावाड़ जिले के अभ्यर्थी थे जिसमें 250 कैंडिडेट के लगभग सेना भर्ती रैली की जो प्रक्रियाएं की दौड़ पास की थी, उनमें से 230 कैंडिडेट हैं वो सफलतापूर्वक अपनी मेडिकल प्रक्रिया भी पार कर ली है दोस्तों। उन्हें अब रिटर्न की तैयारी करने के लिए जो मौका मिल गया है दोस्तों। तो दोस्तों सेना भर्ती रैली में मेडिकल चेकअप में भी काफ़ी सारे युवा कम बार आ रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो 230 कैंडिडेट यानी 295 में से 230 कैंडिडेट सभी बाधाओं को पार करके अपनी मेडिकल प्रक्रिया है, डॉक्यूमेंट प्रक्रिया है, अपनी शारीरिक दस्ता है, वो सभी प्रक्रियाएं पार करके अपनी जो अब रिटर्न की तैयारी में जुट गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप भी देख सकते हो सेना भर्ती रैली अजमेर के अंदर टाइमिंग भी सेना भर्ती रैली स्थल पर आपको काफ़ी सारा दिया जा रहा है दोस्तों, जिसके अंदर आपको टाइमिंग 5 मिनट 30 सेकंड से अधिक समय देकर सेना भर्ती रैली की 1600 मीटर रनिंग पास करवा रहे हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो सभी पदों के लिए वैकेंसी है उनमें भी और जो
केवल साइंस वाले युवाओं के लिए जो सेना भर्ती रैली है उसमें भी टाइमिंग दिया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आप अपना टाइमिंग है 5 मिनट 30 सेकंड से कम समय के अंदर आपको 1600 मीटर रनिंग यदि वहाँ पर ग्राउंड में पास करोगे तो आपको नंबर के आधार पर अपना सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको 60 नंबर की रनिंग पास करने के लिए अधिकतम समय 5 मिनट 15 सेकंड के अंदर अपनी 1600 मीटर रनिंग पास करनी होगी दोस्तों। उसके बाद में आपको यदि 5 मिनट 30 सेकंड से अपना 48 नंबर ही आपको दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों सेना भर्ती रैली में पहली बार हो रही है आई स्कैनिंग, उसकी के आधार पर अब युवाओं को फर्जी एंट्री किसी भी प्रकार की नहीं होगी। किसी भी प्रकार का आपने डॉक्यूमेंटों के साथ छेड़छाड़ किया है या किसी नाम से संबंधित किया है तो वो भी आपको डेटा है वो भी सेव रहेगा, और आप किसी भी समय सेना भर्ती रैली से बाहर हो जाओगे दोस्तों। यदि आपका सभी डॉक्यूमेंट सही पाए गए तो आप सेना भर्ती रैली के जो सारी प्रक्रिया है उससे गुजर जाओगे, अन्यथा आप सेना भर्ती रैली से बाहर हो जाओगे दोस्तों। तो दोस्तों और भी यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और शेयर जरूर करना ना भूले दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और भी अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अंत में जय हिंद जय भारत दोस्तों।